गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे भी अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही है, तो दिन छोटे होते हैं ना सर्दियों में। पता लोग ये कहते हैं दिन छोटे होते हैं सर्दियों में, रात लंबी होती है सर्दियों में, पर सवेरे यार जाग तो मतलब यूं नहीं लगता कि रात तो बहुत छोटी रहेगी। कई बार तो नहीं है, नहीं उठते तो चाहे उतना ही है, लेकिन फिर भी नींद से पूरी नहीं होती। हालांकि वो तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो दोनों टाइम में नहीं होती, पर फिर भी यूं लगता है जैसे यार रात छोटी है। पर कहते हैं कि सर्दियों में रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। अब वो अलग बात है कि वो दिन छोटे रात लंबी इसलिए होती है क्योंकि जो टाइम ऑफ द सनसेट इज गेट डिक्रीज, 6 बजे के आसपास पाँच साढ़े पाँच हो जाता है कई बार तो। और अब तो करंट में भी जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, आपने देखा नहीं है 5:30 बजे कितना वो होने लग जाता है, छाया सी हो जाती है। नहीं तो भाई साहब 7:30-8 बजे भी लगता था धूप हो रही है। दैट्स द रीजन कि हाँ भाई कैसे छोटा हो जाता है डे, क्योंकि सूरज जल्दी छुप जाता है, फिर तो उगता भी लेट होगा। हाँ, वो उगता भी लेट होगा। चलो कोई बात नहीं, अपने को कौन सा मुर्गे की तरह बांग देनी होती है। हमारा तो वही टाइम है। अपना अपना कौन सा टाइम है? जो गर्मी है वही सर्दी है। हाँ वो बात है। तो ये तो था थोड़ा सा वैसे ही एक लूनर ज्ञान। पता है लूनर ज्ञान से याद आया कि 14 दिन की साइकिल होती है चांद की। 14 दिन में वो गायब होएगा और 14 दिन में वो दिखेगा। पर पता नहीं अब की बारी सितंबर के अंदर अमावस 2 बार कैसे आगी। कल भी थी, पता नहीं मेरे को तो सख्त हिदायत दी हुई थी ना अमावस आ रही है। मैं कहा चलो एक दिन की है, 2 दिन है। मैं कहा 2 दिन अमावस कैसे हो सकती है। हाँ। पचांग भी यही बोल रहा, कैलेंडर भी यही बोल रहा, फिर पापा ने भी यही बोल रहा, तो माननी पड़ेगी। सही है। व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। ये तो हो गया हमारा फालतू की। नहीं यार फालतू की क्यों, मैंने पचांग सुना है। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। आज हम आए हैं अमेज़न से परचेज किया हुआ, अमेज़न से परचेज किए हुए प्रोडक्ट को लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग के लिए। यार भारी है अच्छा खासा, और ओपन करके देखते हैं इसके अंदर। ओपन करते हैं फिर इसके बारे में देखेंगे। पहले खुद को तो पता हो कि चीज़ क्या है, वरना यार आधा टाइम तो पता है मैं खुद ही यूं देखता हूँ ना, जब ये क्या मंगवा लिया, फिर मैं यूँ सोचता हूँ अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। पर हमने मंगवाया है क्या, क्या जल यार, गंगा जल की बोतल सी लग रही है ना मेरे को भी, ऐसा ही लग रहा है कुछ। वेदांत जतन कंपनी का, अच्छा वेदांत जतन 1998 की कंपनी का पंचगव्या वैदिक लाइफ गवो विश्वसे मात्र ऋग्वेद। मुझे आती है संस्कृत पढ़नी, इतना भी फुद्दू नहीं हूँ। आती है संस्कृत पढ़नी? नहीं सच्ची में। तुम्हारी संस्कृत नहीं थी क्या? एक ही साल थी। हमारे तो यार 8th-9th तक थी संस्कृत, फिर 9th में जाके ऑप्शन आ गया था तो हिंदी ले ली थी। पर अब पता लगता है संस्कृत की जिस हिसाब से संस्कृत यूनिवर्सिटीज बनने लगी कितनी डिमांड हो गई है। हाँ। गोमुए हर्बल हेयर क्लींजर मंगवाया आज हमने 1000 ml का फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ऑब्वियसली पिता को ने क्लींजर, पर हाँ लिखना जरूरी है, लोग भी आजकल अजीब से होने लग गए। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, गोमूत्र 6%, आंवला 6%, एलोवेरा 6%, नीम 2%, शिकाकाई 2%, बेस QS। एक्सीपिएंट्स मैं इस बारे में नहीं जानते एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। यूजफुल फॉर डैंड्रफ प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व स्कैल्प्स, नेचुरल ऑयल्स कीप्स योर हेयर सॉफ्ट। ओके 1000 ml का कितने रुपए का है भाई, 950 रुपए का है। मैन्युफैक्चरिंग है जुलाई 2023 की और एक्सपायरी है जून 2025 की। कहाँ की है ये कंपनी, गुजरात की है। ओके करे आपके बालों का जतन, देखो भाई बोतल अच्छी है, नाइस काइंड ऑफ थिंग। बट चलो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इट्स गेट।
ये आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करेगा, नेचुरल शाइन को इम्प्रूव करेगा। इसके अंदर कोई कलर्स वगैरह नहीं मिले हुए हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा कैसा ट्रांसपेरेंट सा है वो तो बोतल। चलो ट्रांसल्यूसेंट सी है, लेकिन चीज़ अगर किसी रंग की होती तो अपने को पता भी तो लगता ना, कोई और रंग भी तो चमकता ट्रांसल्यूसेंट सी बोतल में। इसके अंदर पैराबिन नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं डला हुआ खुशबू के लिए, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इसके अंदर काउ यूरिन का यूज़ किया गया है बनाने के लिए गोमूत्र, जिसके फायदे क्या है कि वो डेंड्रफ कंट्रोल करता है और एंटी फंगल, पता होगा फंगस नहीं लगते गोमूत्र में, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। एलोवेरा का यूज किया गया है जो आपके हेयर को शाइनी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा शिका का यूज किया हुआ है जो एक नेचुरल कंडीशनर है। मुंबई के पानी में शिका का ही होता है क्या? मुंबई के यार मैं जब गया था ना तो वहां का मतलब मुंबई के पानी से नहाया ना, वो बाल एकदम यूं सिल्की स्मूथ हो जाते हैं, एकदम सिल्की स्मूथ। हालांकि यूं है 15-20 मिनट बाद वो झाड़ू से भी फील होने लग जाते हैं, पर एक बार ही तो फुल स्मूथ। नाउ इसके अंदर आंवला भी है, जो आंवला तो पता ही हेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यार बालों में, और ये हर तरीके के हेयर टाइप्स पे काम करता है, हर एक के लिए फायदेमंद है। ये तो हो गया इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अब चलो ओपन करते हैं। साहिल भाई पी के बताएगा, सुन के बताएगा, बता सुन के ठीक है। सुन के ठीक है, चलो। यार खुल नहीं रहा, आराम से यार, मतलब इसमें गोमूत्र है तो हाथ धोना पड़ेगा ना। एक अजीब सी वो नहीं होती वो स्मेल सी, स्मेल एक वो जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते उनकी सी है, सुन के दे। सरफ वगैरह से कुछ वैसा अभी सरफ वगैरह से तो नहीं कह सकते, जैसे कोई नेचुरल वो नहीं होते इंग्रेडिएंट्स, उनको मिक्स कर दिया हो तो वो मसाले बन गए इकट्ठे, कुछ अलग ही तरीके के वैसा सा फील हुआ। इस कंपनी के एक तो प्रोडक्ट वोडक्ट लेके देखते हैं और क्या क्या आता है इसका, ट्राई करके देखेंगे। हेयर क्लींजर बालों में लगाने के लिए होता है, व्हाट इंफॉर्मेशन थिंग आई हैव टोल्ड। तो ये तो था हमारी तरफ से इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग कम इंफॉर्मेटिव बात, और आपको वैसे बताना चाहूँगा कि हम वैसे इसकी MRP 950 दे रखी है, पर हमने इसे परचेज किया, इट इज़ अराउंड 500 के अराउंड हमने इसे परचेज किया है। एंड यार अगर मैं यूँ देखता हूँ तो कितने रुपए का पड़ा ये मेरे को, 49 रुपीज़ का 100 ml। 100 ml शैम्पू कितने का आ जाता होगा, कुछ है क्या? मैं तो पुड़िया पे नहीं देखा कितना ml है उसको। मैंने भी नहीं कभी ध्यान दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये तो थी हमारी तरफ से वेदांत जतन कंपनी के गोमुए हेयर क्लींजर की, हर्बल हेयर क्लींजर की। तो लेट्स ट्राई दिस, करते हैं इसको ट्राई, 2 साल की तो शेल्फ लाइफ है, कभी तो मौका मिले इसको ट्राई करके देखेंगे। वैसे इसके अंदर अगर एलो भी रहे तो फिर तो ये बालों में लगा के आप इसे छोड़ सकते हैं ना थोड़ी देर सूखने के लिए, फिर सूखने के बाद धो लें, या फिर इसे लगाते ही धो दें, दोनों करके देख लेने के लिए। दोनों करके देख लेते तो तू कर लगा के धोने वाला, मैं करूँगा सूख के सुखा के फिर धोने वाला। ठीक है ठीक है, देखते हैं किसके बचते हैं बाल। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे, इस चीज के रिगार्डिंग और तो क्या ही बताएं, है ना। यूजेज जी इसका तो अब रिव्यू ही होगा, जो होएगा पता चलेगा कैसा लगता है। बाकी यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, नई नई चीज आई है तो ट्राई करके देखते रहना चाहिए, है ना भाभी। यस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड डू एंजॉय।